हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय संगम मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं पॉलिटी का लेक्चर लेके आऊँगा, तो यूपी टेट 2018 सेकेंड एग्ज़ाम के लिए ये मेरा लेक्चर, पहला लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो बात करते हैं संविधान की। तो जब संविधान बना था तो संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। अब एग्ज़ाम में भाग से पूछता क्वेश्चन कि 22 भाग में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा। जैसे कि नागरिकता किस भाग में है, ऑप्शन भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, ऐसे ऑप्शन करके दे देगा। तो 22 भाग इम्पॉर्टेंट नहीं है, टोटल सारे भाग इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट भाग हैं जिसमें क्वेश्चन एकदम से एज इट इज पूछा जाता है जो भाग, वो मैं बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला भाग है पार्ट वन भाग एक। अब भाग एक में देखो क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब भारत के संघ और संघ शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख किया गया है भाग एक में, जो कि आर्टिकल 1-4 तक है। ये इम्पॉर्टेंट है। भाग दो के तरफ चलते हैं। भाग दो में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग दो में नागरिकता का उल्लेख किया गया, ये इम्पॉर्टेंट है। भाग तीन में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग चार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि नीति निर्देश तत्व, किसी राज्य के नीति निर्देश तत्वों का वर्णन पार्ट फोर में किया गया है। ओके, पार्ट फोर ए में किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज का। अब देखो, अब ये जितने अभी मैंने बताया जो ऊपर के, ये इम्पॉर्टेंट है। पार्ट वन भाग एक याद रहे न रहे, लेकिन भाग दो, भाग तीन, भाग चार और भाग चार ए इम्पॉर्टेंट है, बहुत याद रहना चाहिए। मतलब अब इसके बाद से इम्पॉर्टेंट क्या है, इसके बाद से इम्पॉर्टेंट है भाग नाइन पंचायत। भाग नाइन में पंचायत का उल्लेख किया गया है। आगे की तरफ चलते हैं तो आता है भाग नाइन ए। उसके बाद नाइन के बाद आता है भाग नाइन ए, जिसमें म्यूनसिपालिटीज का उल्लेख किया, यानी कि नगर पालिका, जो नगर पालिका है आजकल है, तो उसमें नगर पालिका का उल्लेख किया गया। अब मैं बताता हूँ इसके बाद कौन सा भाग इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं, चलो भाग 15 इलेक्शन। देखो भाग 15 इलेक्शन, निर्वाचन, भाग 15 में निर्वाचन है, तो ये इम्पॉर्टेंट ही पूछता है। और उसके बाद बात करते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज, भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि भारत की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। हिंदी का जो, हिंदी कोई भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी भारत की राजभाषा है, तो इसका उल्लेख किया गया है भाग 17 में। ओके, जो कि 343 से लेके, ये आपका 343 से लेके 351 तक है। मैं फिर से आपको एक बार रिव्यू दे देता हूँ ताकि आपको एकदम से बैठ जाए दिमाग में आपके सारे भाग। तो पार्ट वन में क्या है आपका, पार्ट वन में भारत के राज्य और राज्य संघ शासित प्रदेश, भाग दो में नागरिकता, भाग तीन में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, भाग चार में भारत के नीति निर्देशक तत्व और भाग फोर ए में फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य। इसके बाद सीधे चलो भाग नौ में, ये वाला पंचायत, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, इधर आओ तो भाग नाइन ए, ये नाइन ए इम्पॉर्टेंट है। इसमें म्यूनसिपालिटीज यानी कि नगर पालिका को उल्लेख किया गया है। उसके बाद आते सीधे भाग 15 निर्वाचन और भाग 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। ओके, तो ये आपका 22 भाग में से मुश्किल से 7-8 भाग याद करने हैं आपको। अब घबराने की बात नहीं कि 22 भाग याद नहीं हमें तो कैसे आएगा क्वेश्चन, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो 22 भाग में मुश्किल से मैंने 6-7 ही भाग बताए होंगे जो इंपॉर्टेंट है, और एक मान के चलिए कि एकदम से पूछे जाएंगे, जो मैंने बताया है वो आने वाला ही है। अब बात करते हैं
जैसे कि हमारे हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और हमारा संविधान कई सारे देशों के संविधानों से मिलकर बनाया है, यानी कि हमने बोरो किया है, मतलब अन्य देशों के संविधान से कुछ जो चीज़ें अच्छी लगी हैं उनको एक्सेप्ट किया है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो एक्ट था उससे अंशतः बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं हमारे संविधान में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान का मतलब मेजर पार्ट जो कहाँ से लिया गया है, तो वह 1935 का एक्ट, उस एक्ट से लिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो जो चीज़ें जो ली गई हैं अन्य कंट्रीज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि पूछ देता है नागरिकता किस देश से ली गई है, तो आयरलैंड, यूएसए, फ्रांस और रसिया दे देगा ऑप्शन में, तो उस पे हम विचार करते हैं। चलिए पहले हम आते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन मैं बताऊंगा वही चीज़ जो इम्पोर्टेंट है सबके लिए। तो ब्रिटेन के बारे में क्या पूछेगा कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट, ये बस पूछेगा कि संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो ब्रिटेन। अब इन सब चीज़ों जो नीचे दी गई हैं 2, 3, 4, 5, इनसे मतलब नहीं है, मैं जो इम्पोर्टेंट था बता दिया। आयरलैंड की बात करते हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देख रहे हैं आप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है। भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का को आयरलैंड देश की संविधान से लिया गया है। अब एक बार याद कर लो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस भाग में है। ओके, तो ये भाग 4 में है। अब बात करते हैं अगले की तरफ चलते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ गया। अब अमेरिका से क्या लिया गया है तो देख लो एक बार। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, पहला इम्पॉर्टेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि भारत के राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये किस देश से ली गई है, तो ये अमेरिका से ली गई है। अब एक चलते चलते भी बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस लगाया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 61 के तहत, 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अब बात करते हैं और क्या चीज़ें ली गई हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स देख लो आप, फंडामेंटल राइट्स इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ओके, अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो कॉन्करेंट लिस्ट ये आपकी है, आपकी ये कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया की है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का क्या मतलब होता है, समवर्ती सूची। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट किस देश से ली गई है, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, फ्रांस दे देगा, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और समवर्ती सूची की बात करते हैं थोड़े में, तो समवर्ती सूची वो होती है जैसे कि एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है, एक अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं। तो समवर्ती सूची का मतलब ये जो विषय केंद्र और राज्य दोनों के मतलब हाथ में हो, मतलब उसमें चाहे तो केंद्र भी बना सकता है और चाहे राज्य भी कानून बना सकता है जिस विषय पे। कॉन्करेंट लिस्ट में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट पर कानून, जैसे कि मान लो शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, इन सब चीज़ों पे केंद्र भी बना सकती है, क्या बोलते हैं, केंद्र भी नियम बना सकती है और राज्य भी बना सकती है, तो समवर्ती सूची में रखा गया है। एक अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, तो ये जो ना राज्य सूची में हो ना केंद्र सूची में हो उन और कहीं भी ना हो, जिन जो सब्जेक्ट उनको अवशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं वो अवशिष्ट लिस्ट में रहती है। तो उसके बाद से ये हो गया। चलो उसके बाद से सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, ये है रसिया, ये रसिया पूछेगा, रूस पूछेगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आप देख रहे होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्य की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका भाग है 4A, जैसा कि मैंने बताया।
तो जो बोरोइंग कंट्रीज थी, मतलब जिससे हम लोग का संविधान लिया गया है, जिन कंट्रियों से, उनकी मैंने लिस्ट आप सबको बता दी, और आगे का लेक्चर मैं आज या कल मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो अभी के लिए बस पुरानी चीज़ों को, इस वीडियो को एक दो बार और देख के रिवाइज कर लीजिए, और बस अगली वीडियो मैं आज शाम या फिर कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा। चलो दोस्तों, जय हिंद साथियों।